एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड मेरी चाची, मामी, मौसी, भाभी एंड मेरी बहनें, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। होप कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो लोग मतलब सोचते मेरी स्किन ऑयली है और समर आ गया है, भगवान अब क्या होगा, पिंपल्स आने वाले हैं, जो कि अब तो स्किन की बैंड बजने वाली है, पिंपल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं स्किन पे। पर जब स्वेटिंग होती है तो स्किन बहुत इरिटेट भी करती है, डल होने लगती है। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा एक ऐसा होम रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को छुमंतर कर देने वाला है। बिकॉज ऑफ रीज़न ये है कि हम बहुत जिन लोगों को मतलब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विटामिन सी सिर्फ संतरे या उसमें ही होता है, लेमन में, ऐसा नहीं है। विटामिन सी सिर्फ संतरे लेमन में भी नहीं होता, बहुत और चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी होता है। तो आज मैं आपके साथ एक विटामिन सी टाइप का कुछ फेस पैक। सबसे पहले आपको ये मूंग की दाल लेनी है, वो आपको छिलके वाली ही मूंग की दाल लेनी है। मूंग की दाल विटामिन सी, विटामिन ए, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये आपकी स्किन, अगर आपकी स्किन फ्लैकी है, ड्राई है, तो आपकी स्किन के लिए एक रामबाण, बोलते हैं ना रामबाण, हो सकती है। बहुत अच्छा ग्लो देती है, बहुत बहुत ही इंस्टेंट ग्लो देती है। आप एक बार ट्राई करिए। ट्रेडिशनल फेस पैक है, उस ज़माने में लोग उसको करते थे, बहुत यूज़ करते थे। अभी हम लोग नए जो पीढ़ी है वो भूलती जा रही है। तो आपको क्या करना, मूंग की दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसको ग्राइंड करने के बाद हमको क्या करना है, हमको इसको अच्छे से छान लेना है और इसका एक बहुत ही स्मूथ पाउडर निकल के आ जाएगा और इसको हम अपने फेस पैक में यूज़ करेंगे। क्योंकि ऊपर का जो बचेगा उसको हम एज स्क्रब यूज़ करेंगे। उसको अच्छे से डब्बे में भर के रख लीजिएगा। अब हमको क्या लेना है, एक चम्मच, दो चम्मच आपको ले लेना अच्छे से एक कटोरी में, और उसमें एक चम्मच आपको रॉ हनी डालना है एंड रॉ मिल्क डालना है। एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना वो बहुत ज़्यादा गीला, जिससे कि क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद सोख हो जाएगा। 5 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे एंड देन इसके बाद ये सोख हो जाएगा और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसके बाद हमें इसमें फिर से गुलाब जल मिलाना है क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको फिर फेस पे रेडी हो गया। अब यहाँ पे अपने फेस को क्लीन करेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मारा है और आप चाहें तो अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लीजिएगा, इसके बाद ही फेस पैक को अप्लाई करिएगा। कभी भी आपको जिस तरीके से रेमेडीज करते हैं तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा आलस किया तो मैं अपने फेस को ऐसे गुलाब जल से क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद आपको थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ना पेस्ट, तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर लेना है और उसको मिक्स करके थोड़ा सा आपको पतला कर लेना। आप फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे लगा सकते हैं। और ये इतना अच्छा फेस पैक है। अगर आप फ्लैग भी या सन टैन भी हो गया आपको, या फिर समर में आपकी स्किन पे वो डलनेस है, तो आप वो भी उसको बहुत जल्दी इंस्टेंट ही ख़त्म हो जाती है। इसे ड्राई हो गया है और इसको आप 15% तक ड्राई होने दीजिए। 20 मिनट ड्राई करना आप लोगों को, ऐसा नहीं आप लोगों ने, आपके इसमें जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उनको सारी को रिड्यूस कर देता है। और आपने कूलर के बाद 15 मिनट आपको वेट करना होगा, इसको टोटली ड्राई नहीं होने देना है। ये 90% ही सूखेगा। आपको वैसे भी इसमें हमने हनी यूज़ किया है तो ये वैसे भी एकदम कड़क वाला नहीं, सूखने वाला है, इसमें मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा। 20 मिनट या 15 मिनट बाद आप इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपने फेस को हल्के हाथों से पोर्शन बाय रब करते हुए। और जो गजब का रिजल्ट आपको मिलेगा आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से आपको रब करना होगा, बहुत ही प्रेशराइज नहीं करना अपने फेस को। इसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट की, आप बहुत खुश हो जाएंगे। यहाँ पर लाइट का इशू था तो वो क्लियर नहीं आ रहा, बट बहुत ही, आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार लगा सकते हैं, चाहे तो डेली आप एज ए फेस वॉश इसको यूज़ करिए। रिजल्ट देगी आपकी स्किन बहुत ही सुंदर हो जाएगी। और जैसे ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो फीडबैक देखने जरूर आइए, कमेंट कर दीजिएगा। टाटा बाय।